नमस्कार, स्वागत है आपका हमार बिहार में और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे नेपाल में हो रही रुक रुक कर बारिश को लेकर, जहां मधुबनी जिले में तबाही मचा दी है और इस बारिश के चलते जिले की कई नदियां उफान में आ गई है और जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही प्रशासन लोगों की दिक्कत से अनजान बना हुआ है और लोगों को कोई मदद नहीं पहुंचा पा रहा है। बाढ़ के चलते जिले की अधवारा समूह की थुमहानी, खिरोई, कोकरा और बछराजा नदियों का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर है। जिले के मधवापुर प्रखंड के झटियाही सहित एक दर्जन गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने अभी तक उन्हें ना तो नाव की व्यवस्था की है और ना ही दूसरी कोई मदद। सीओ को हम लोग बोले कि से सीओ साहब से हम लोगों को जाने आने में कठिनाई है, बच्चा यहाँ का पढ़ता है जो बाहर जाकर के पढ़ता है उसको भी जाने आने में दिक्कत हो रहा है। तो सीओ साहब बोल रहे हैं कि से आप लोग जाइए से हम आते हैं देखने वहाँ पर। ये भी हम लोग बोले कि शाहपुर पंचायत में अभी तक एक भी नाव नहीं इशू हुआ है। तो इसके बाद में उसको हम जब बोले तो वो बोले कि ठीक है आप लोग जाइए से कल आप लोगों को नाव मिल जाएगा। और उसको बोले इसके बाद में वो आए कि नहीं आए वो भी नहीं खबर हुआ और ना फिर दो दिन के बाद में हम लोग उसको फ़ोन करके बोले कि इसे नाव का क्या हुआ तो वो बोला कि आप लोग विधायक से जा कर के लीजिए, हमसे नहीं होगा। खगड़िया पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। दापू मिडिल स्कूल स्थित बाढ़ राहत शिविर में उन्होंने समुदाय कीचन मेडिकल कैंप का बारी बारी से निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने पूर्णता से बातचीत की और मिली सुविधाओं की भी जानकारी ली। डिप्टी सीएम ने मेडिकल कैंप में उपलब्ध प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, टीकाकरण और कोरोना जांच के बीच स्वास्थ्य कर्मियों से जानकारी ली। बाढ़ पीड़ितों से बातचीत के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही सुविधाएं संतोषजनक है। तो भी जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह के शिविर लगाए गए हैं या अन्य जो सुविधाएं दी जा रही है वो संतोषजनक है। एक एक चीज पर हम सबों ने चर्चा की और पानी का जलस्तर भी घट रहा है, यह एक सुखद है। लेकिन अगर हमारे जो बाढ़ के हमारे पीड़ित हैं जो किसी शिविर में अभी रुके हुए हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं बना दी जाएगी। आप देख ही रहे कि इस विद्यालय परिसर में जो सामुदायिक रसोई और जो स्वास्थ्य से संबंधित जो गतिविधि है काफी बेहतर है और सभी प्रकार की चीजों का ध्यान। कटिहार में बाढ़ से बिगड़ते हालात के बाद एनडीआरएफ टीम ने मोर्चा संभाल लिया। बिहार के तीन अलग जिलों के लिए उड़ीसा कटक से एनडीआरएफ के विशेष टीम को बुलाया गया है। कटिहार से यह टीम अब आगे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मनियारे के लिए प्रस्थान करेगी और एनडीआरएफ व कमांडर विश्वनाथ चौधरी ने कहा पूरी एनडीआरएफ की टीम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में किसी भी हालात से निपटने के लिए तमाम अत्याधुनिक उपकरणों के साथ पूरी तरह तैयार है। हम लोग उड़ीसा बेस से हैं, उड़ीसा मुंडली से हम लोग आए हुए हैं। हमारी टीम जो है एयरलिफ्ट होकर उड़ीसा से पटना आई थी जो क्या मोकामा लखीसराय और कटिहार सदर में डिप्लॉयड हुआ था। जिला प्रशासन के अनुसार हम लोग जो है काम यहाँ पर स्टार्ट किए हैं। हमें कटिहार सदर में हमारा इस लोकेशन पे अभी हम लोगों को टेम्परेरी यहाँ पर रखा गया था लेकिन अभी जिला प्रशासन ने फिर हमें फर्दर डिप्लॉय मनिहारी के लिए किया है। वहाँ पर बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ का हम लोग रेखी करेंगे, सिचुएशन क्या है उसका जायजा लेंगे, उसके बाद जिला प्रशासन के आदेशानुसार हम काम करें। देश के जनता के प्रति आभार व्यक्त करने जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का औरंगाबाद के मिठाइयां मोड़ पर जोरदार स्वागत किया गया। नगर भवन में उन्होंने जिले की जनता के प्रति लगातार दो बार सत्ता देने के लिए आभार व्यक्त किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रवाद का समर्थन और परिवारवाद का करारा प्रहार किया। मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद के सिद्धांत को लेकर आगे चल रही है। पार्टी अपने एजेंडे के साथ लगातार राष्ट्र के निर्माण में जुटी है और सबका साथ सबका विकास के संकल्प को धरातल पर उतार रही है।
वहीं 7 साल के शासन काल में न सिर्फ विकास की गाथाएं लिखी गई बल्कि सबको सम्मान के साथ जीने का हक प्रदान किया गया। आर के सिंह ने कहा कि परिवारवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों का क्या हश्र है यह बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की नीतियों और सोच का परिणाम है कि देश की जनता ने विश्वास कर आशीर्वाद दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए देश में 2,02,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं जिससे बिहार में इस क्षेत्र में 22,000 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई है। खबर बगहा से है जहां दूसरों की जान बचाने के लिए दर्जनों महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और 10 किलोमीटर घने जंगल को पैदल ही पार कर दिया। यह तस्वीर टीकाकरण करने जा रहे स्वास्थ्य कर्मियों की टीम की है जहां यह तस्वीर रामनगर के दोन की है। दोन एक ऐसा इलाका है जो बारिश के समय टापू बन जाता है। वहां अन्य वाहन नहीं पहुंच सकते लेकिन यहां कोविड का टीकाकरण करना काफी मुश्किल हो गया है। और तस्वीर को गौर से देखिए, एक ट्रैक्टर ट्रॉली है और ट्रॉली पर तंबू लगा दिया गया है और अंदर महिला स्वास्थ्य कर्मियों की टीम है जो दर्जनों की संख्या में है। नदियों पहाड़ों और घने जंगल को पार कर इस ट्रैक्टर को गेदोन को यानी पहुंचना है लेकिन जंगल के रास्ते खराब हो गए हैं और ट्रैक्टर जंगल में ही फंस जाता है। घने जंगल में महिला स्वास्थ्य कर्मियों की टीम फंस जाती है और ऐसे में महिला स्वास्थ्य कर्मियों की टीम के द्वारा पैदल जंगल पार करने का फैसला लिया और 10 किलोमीटर से अधिक जंगल पार कर महिलाओं की टीम दोन पहुंची और लगभग 4,000 लोगों का टीकाकरण किया। इन महिलाओं को कशिश न्यूज भी सलाम करता है। सूचना यही मिली है कि जंगल का रास्ता तो एकदम कीचड़ से अटा हुआ है, भरा हुआ है, ट्रैक्टर गया है तो फंस गया है जंगल में बुरी तरह से। हमारे जो टीकाकर्मी हैं उनको पैदल ट्रैक्टर छोड़ करके पैदल कीचड़ होते हुए पार करना पड़ा है जंगल। अगर किसी तरह से हम लोग पहुँच गए हैं वहाँ और काम शुरू कर दिया है, लगभग 4,000 डोज वहाँ भेजा गया। तो अधिक जानकारी के लिए बगहा से हमारे सहयोगी राकेश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी हुई कि महिला कर्मी जो है स्वास्थ्य कर्मी कितने कठिनाइयों के साथ वो अपने सफर को तय की यानी टीकाकरण को लेकर, हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों महिला स्वास्थ्य कर्मियों को कशिश न्यूज भी सलाम करता है ये तस्वीरें देखने के बाद। राकेश, जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे थे कि कितनी कठिनाइयों के साथ ये जो महिला स्वास्थ्य कर्मी है वो टीकाकरण के लिए निकले और आखिरकार वो टीकाकरण के लिए अपने सफर जहां पे जा रही थी वो पहुंच गई, तो जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं महिला स्वास्थ्य कर्मियों की, तो कशिश न्यूज भी इन तस्वीरों को सलाम करते हैं महिला स्वास्थ्य कर्मियों को। इलाका है जो दाम है दो महिला स्वास्थ्य कर्मी टीका। चलिए बिल्कुल राकेश, तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बगहा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पे किस प्रकार महिला जो स्वास्थ्य कर्मी है वो टीकाकरण करने के लिए जो ट्रैक्टर का जो दोन है वो काफी कठिनाइयों के साथ वो आगे बढ़ी और अपने टीकाकरण जो अभियान है उनका उस अभियान को उन्होंने पूरा किया। आगे कशिश न्यूज भी इन महिला स्वास्थ्य कर्मियों को सलाम करता है। फिलहाल खबर में आगे बढ़ेंगे। केंद्र और बिहार की सरकार किसानों की बेहतरी और उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए लाखों करोड़ रुपया खर्च कर रही है जिससे किसानों को समय पर बीज खाद उपलब्ध हो सके और वहीं अरवल जिले के किसान यूरिया की किल्लत का मार झेल रहे हैं। वहीं स्थानीय किसान रात से ही कतार लगाकर यूरिया के मिलने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने अरवल जिले में खाद की कालाबाजारी के साथ ही अधिक मूल्य पर खाद बेचे जाने का आरोप लगाया है। कशिश न्यूज से बात करते हुए महिला और पुरुष किसानों ने खाद विक्रेताओं पर ठगने का आरोप लगाया है। जैसे सर कि यहाँ पर पंचायत के नाम साठ दिए हैं, कोरियम पंचायत से मतलब 4 गो पंचायत साठ दिए और बाकी लोग बहुत दूर दूर से सर खाद लेके नहीं आया है उसके लिए कहा, तो अपना पंचायत साठ दिए पहले ही रखा था ना, सूचना कमी था पंचायत को देखे, हम लोग सुबह से लाइन लगे 6 बजे से लाइन लगे उसके लिए सर क्या होगा।
सरकारी खाद मिल रहा है? हाँ सरकारी खाद मिल रहा है, सरकारी खाद मिल लेके पंचायत साट दिया, और लोग किसी से खाद लेगा, उसके लिए बहुत परेशानी हो रहा है खाद के लिए किसान को। नहीं भैया नहीं मिला खाद, अब तक कब से आप फैल रहे हैं? 4 बजे भोर से है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि मिलेगा 11 बजे मिलेगा, 10 बजे मिलेगा, मिलिए रहा है अभी तक। मार्केट में खाद नहीं मिल रहा है क्या? नहीं सर मार्केट में खाद नहीं मिल। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड के बाराटान गांव में पिछले एक हफ्ते के दौरान एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं गांव में डर का माहौल है। इस घटना के बाद परिवार के बाकी लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है और साथ ही अस्पताल प्रबंधन की तरफ से आइसोलेशन में रखे गए लोगों के लिए दवा और खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। फिलहाल इन 4 लोगों की मौत किस तरह के बुखार से हुई है इसका पता नहीं चल पाया है और अब अस्पताल प्रबंधन इनकी मौत के बारे में जानकारी जुटा रहा है। तो यह नवादा की तस्वीरें जहां पे पिछले एक हफ्ते के दौरान एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। अधिक जानकारी के लिए नवादा से हमारे संवाददाता दिनेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइन पे। दिनेश जानना चाहेंगे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है, आखिर इस मौत के पीछे वजह क्या है? मौत की वजह डॉक्टरों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह वायरल फीवर के कारण 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है लगातार बारिश होने से भी किसी तरह के इंफेक्शन हुआ होगा या और कुछ, बहुत तरह के लोग बता रहे हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है और एक सप्ताह के अंदर 4 लोगों की मौत होने के बाद अभी जो 14 से 15 की संख्या में जो बीमार है उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। जी चलिए बिल्कुल दिनेश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो पिछले एक हफ्ते के दौरान ही एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद गांव में डर का माहौल कायम हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त अरवल में मौजूद है और हमारे संवाददाता अवनीश भी इस वक्त वहां पर मौजूद है, तो सीधे रुख करेंगे अरवल का जहां पे अपने सहयोगी अवनीश के पास। लगातार यात्रा पे हैं, आज चौथे चरण की यात्रा की का आज अंतिम दिन है और वैसी स्थिति में तमाम जगहों पे जा रहे हैं जो कोविड से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों से मिल रहे हैं, किसी रोड एक्सीडेंट में किसी की मौत हुई है उनके परिजन से मिल रहे हैं और उनको दिलासा जरूर दे रहे हैं और सरकार की योजना का लाभ भी दिलाने का वादा कर रहे हैं। सर क्या कुछ फीडबैक रहा है, क्योंकि लगातार 6 दिनों की यात्रा है, आज आपके यात्रा का अंतिम दिन है, किस तरह का फीडबैक है? देखिए एक तो कई जगह है जहाँ पार्टी से जुड़े हुए साथी काफ़ी मजबूत साथी थे, उनका डेथ हो गया या उनके परिवार में किसी का डेथ हुआ है, उनके यहाँ जाने से उनको ताकत मिलती है ऐसा हमने महसूस किया। साथ ही साथ सरकार की जो योजना है कोरोना के संदर्भ में उसके लाभ के बारे में क्या स्थिति है, क्या प्रगति है, उस पर भी थोड़ी चर्चा हो जाती है। कुल मिला जुला कर हर जगह इससे लोगों के अंदर उत्साह बहुत बढ़ रहा है, खासकर पार्टी के साथियों के अंदर और आम लोगों के बीच जाने से खुद मेरा उत्साह बढ़ रहा है, क्योंकि आम लोग जिस तरह से आकर्षित होकर आ रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में बोल रहे हैं, उससे खुद उत्साह मेरा भी बढ़ रहा है। कुल मिला जुला करके बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस जिला में भी और इसके पहले जहां गए वहां भी दिख रहा है। संगठन को लेकर क्या कुछ फीडबैक मिला? उमन जो चर्चा है कि कई संगठन में लोग ऐसे भी हैं जो निष्क्रिय हैं, जो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि संगठन में आने वाले समय बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? बहुत उत्साह लोगों के अंदर आ रहा है। जो लोग स्थानीय स्तर पर कई जगह लोग बताते हैं कि अमुक आदमी चुनाव में अपना वोट डाल दिया पार्टी के लिए और जो मेहनत करनी चाहिए थी नहीं उसने मेहनत की, लेकिन वैसे लोग भी जो किसी कारण से उदासीन थे सक्रिय नहीं थे अब काफ़ी आ रहे हैं और उनके अंदर उत्साह भर रहा है। पुराने समता पार्टी के समय के भी लोग हैं जो आपसे अभी अलग हैं, क्या उनको भी पार्टी जेडीयू में शामिल कराएगी, जेडीयू में उनकी घर वापसी कराएगी? देखिए निश्चित रूप से जो भी साथी हैं जो पहले किसी कारण से छूट गए हैं या सुस्त हो गए हैं उन तमाम लोगों को एक साथ लाने की कोशिश होगी और जो नए लोग हैं उनको और पुराने लोग सब लोगों को मिलाकर के पार्टी को गति देने की।
की कोशिश होगी। तो बिल्कुल, देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार यात्रा पे है और इनकी कोशिश एक ही है कि जेडीयू कैसे नंबर वन की पार्टी बने, और इसी कड़ी में यात्रा का दौर जारी है। आज छोटे क्रम की यात्रा का आज अंतिम दिन है, अरवल में है, कुर्था अरवल कई जगहों पर उनकी और कार्यक्रम है, कई लोगों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। चलिए बिल्कुल, तमाम बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया अवनीश। तो बता दें कि बिहार यात्रा के चौथे चरण के तहत आज अरवल दौरे पर थे उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने तमाम तरह की बातें की। जिस तरह से हमारे संवाददाता अवनीश उस वक्त वहां पर मौजूद थे, वो तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा कर रहे थे। फिलहाल खबर में आगे बढ़ेंगे। सिवान में आपसी विवाद में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक गुट ने दूसरे गुट के युवक को चाकू मार दिया, और घटना सराय ओपी के पुराने किला की है। और बताया जा रहा कि सराय ओपी के क्षेत्र में ही रहने वाला समीर नामक युवक मुहर्रम का मिट्टी डालकर अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में ही पुराने किला के पास किसी वाद विवाद को लेकर तूतू मैमे हो गई, और उसके बाद दो युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। वहीं समीर को दूसरे युवक ने चाकू मार दिया, जिसके बाद समीर को स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं गंभीर हालत को देखते हुए उसे पटना रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। पुलिस के तमाम कोशिशों के बाद भी राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला पटना सिटी इलाके का है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी और आराम से फरार हो गए। घटना सिटी इलाके की आलमगंज का है, जहां अपराधियों ने बाइक सवार युवक पर फायरिंग की और घटना के बाद बुरी तरह घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृत युवक भी अपराधी प्रवृत्ति का था और पिछले दिनों ही जेल में छूटकर बाहर आया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी तो पता चला है कि तीन लोग बाइक से आए थे, उसमें से एक उतर के सब मास्क लगाए हुए थे और उतर के इनको तीन गोली कलपट्टी के पास मारा है सर के पीछे, और एक गोली सीने में मारा है, उनकी मृत्यु हो गई है। तो बाकी हम अनुसंधान कर रहे हैं, कुछ पुलों में भी इनकी दुश्मनी थी कुछ लोगों से, तो वो भी एंगल देख रहे हैं। कहते हैं रेशम के धागे की राखी का बड़ा महत्व होता है। पूर्णिया की दर्जनों जीविका दीदियां इन दिनों मलबरी की खेती कर अपने हाथों से बेकार पड़े खराब कोकून से रेशम का धागा निकालकर आकर्षक राखियां बना रही है, और इससे जहां उन्हें रोजगार मिल रहा है, वहीं ये दीदियां लोगों को रेशम की शुद्ध राखियां भी मुहैया करा रही है। पिछले साल 23 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में धमदाह की मलबरी की खेती कर आर्थिक उपार्जन करने वाले आदर्श जीविका समूह की सराहना की थी। जीविका दीदी रीना कुमारी ने बताया कि पहले वो लोग खराब हो चुके कोकुन को बेकार समझकर फेंक देते थे, लेकिन ये पटना के सरस मेला में उन लोगों ने देखा कि कुछ लोग किस तरह बेकार पड़े चीजों का इस्तेमाल कर अच्छा हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं, तो उन लोगों के मन में भी कुछ करने की ललक जगी। इसके लिए उन लोगों ने प्रशिक्षण लिया और पिछले साल कोरोना के समय उसने अपने परिवार के साथ मिलकर 2100 राखी बनाए, जिससे उन्हें कोरोना की मुश्किल घड़ी में 40,000 रुपए की आमदनी हुई है। वहीं इस बार धंधा के 5 समूह की 44 जीविका दीदियों ने राखी बनाने का काम शुरू किया। उन लोगों का लक्ष्य है कि वे लोग इस साल 50,000 राखियां बनाएंगे, और एक राखी 15 रुपए से 50 रुपए तक बिकती है, इससे उन्हें अच्छी आमदनी भी होगी। माननीय प्रमुख प्रधानमंत्री जी ने मन की बातें में मेरे आदर्श जीविका आदर्श पीजी के बारे में मन की बात में चर्चा किए हुए थे। उसमें हम लोग जो है कोकून से साड़ी बनाते थे, और हम लोग जो है अभी जो कीट पालन करते हैं वो कीट पालन में जो कोकून तैयार करते हैं, जो मेरा खराब कोकून होती है उसको हम लोग जो फेंकते थे उससे हम लोग जो है राखी बनाते हैं। जीविका समूह की जो दीदियाँ हैं उनके द्वारा काफ़ी सराहनीय कार्य किया जा रहा है कई क्षेत्रों में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दीदी की रसोई यहाँ पे बिहार में सबसे पहले शुरू हुआ था। इसके अतिरिक्त जो मक्का उत्पादन है या उसके प्रोसेसिंग का पैकेजिंग का काम है वो भी किया जा रहा है। रेशम पालन का काम जीविका समूह की दीदियों के द्वारा किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 77वीं जयंती और सबसे पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस बिहार प्रभारी भक्त चरणदास शामिल हुए, और भक्त चरणदास ने कहा कि मौजूदा सरकार राजीव गांधी का सम्मान देने की जगह उनका नाम हटाने का काम केंद्र सरकार कर रही है।
राजीव गांधी के नाम से दिया जाने वाला खेल पुरस्कार का नाम बदला गया है और सरकार देश में सिर्फ तानाशाही जैसा काम कर रही है। रचना, संघर्ष, निर्माण, त्याग, बलिदान के प्रतीक हैं राजीव जी, बातों में नहीं कामों में। जिनका शरीर ही मिट्टी में मिल गया है, भारत देश के मिट्टी में उनका खून मिला हुआ है, आश्चर्य की बात है आज की सरकार उनको सम्मान आदर करना तो दूर की बात है। जिसका खून मिट्टी में मिला है उसका नाम का स्पोर्ट्स अवार्ड को भी चेंज करना चाहते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को भी चेंज करना चाह रहे हैं। जो कांग्रेस ने बनाया था, जितना संरचना स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो हुआ था, चाहे उद्योग में हो चाहे इंस्टीट्यूशनल बनाने में हो, उस तो बड़ी खबर पटना से, जो अवैध बालू खनन को ले रोकने गए पुलिस पर हमला किया गया। बालू माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया और हमले में कई पुलिस कर्मी घायल हो गए। कई थानों के पुलिस मौके पर पहुंची है, वही गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। रानी तालाब थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर पटना से, जहां अवैध बालू खनन को रोकने गए पुलिस पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। हमले के दौरान कई पुलिस कर्मी घायल हो गए। कई थानों के पुलिस से वो मौके पर पहुंची है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। तो बताते चले कि रानी तालाब थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो पटना से बड़ी खबर। तो अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूम आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ ताजा अपडेट के लिए। मरगूम, क्या है ताजा अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए, वहाँ अभी छापेमारी चल रही है, कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। थाना अध्यक्ष के साथ कई पुलिसकर्मी घायल हैं, उनको निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। जी, जो हमारे पास सूचना आ रही है अब वो ये है कि विमलेश कुमार थाना अध्यक्ष और कई पुलिसकर्मी वहाँ गए थे छापेमारी करने के लिए। उसी दौरान सुनियोजित तरीके से वहाँ लोगों ने हमला कर दिया। एक लाठी या पत्थर से हमले किए गए हैं, जिसमें एक पुलिसकर्मी का हाथ टूटा है, एक के सर में गंभीर चोट है और कई लोगों और भी जख्मी है। उसके बाद अफरा तफरी के माहौल के बीच वहाँ भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भेज दिया गया। छापेमारी चल रही है, कई लोग हिरासत में लिए गए हैं और फिलहाल गिरफ्तारी की पुष्टि अभी तक पुलिस अधिकारी के द्वारा नहीं है, लेकिन ये हमला संयोजित है और अवैध खनन, बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस गई थी, उसी दौरान ये पूरा हमला हुआ है। फिलहाल पुलिस अधिकारी का कहना है कि किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी और अभी छापेमारी चल रही है। देर शाम तक कितने लोग गिरफ्तार होंगे इस मामले में अपडेट आएगा, लेकिन दोनों जो पुलिसकर्मी घायल है थाना अध्यक्ष के साथ, वो सभी खतरे से बाहर हैं, उनका उपचार किया गया है, लेकिन अभी आगरत हैं और फिलहाल उनकी डॉक्टर की निगरानी में है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है और जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्त में होंगे। जी अमरगोम, एक बात और, जिस प्रकार से अगर लगातार ये दावे करिए चाहते हैं कि अवैध बालू खनन को लेकर रोक लगाए, लेकिन फिर भी जो बालू माफिया है वो काफी सक्रिय है, क्योंकि लगातार बालू खनन को लेकर वो इस तरह के कारनामे करते रहते हैं। देखिए, इनका इनका सम्मान, इनका मान बहुत बढ़ा हुआ है। इसके पीछे कारण ये है कि चूंकि कुछ लोगों की मिलीभगत इनसे होती है, जो प्रशासनिक लोग होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, अब सरकार चिकंजा जब कस रही है तो ये लोग कानून हाथ में ले रहे हैं और पुलिसकर्मियों पर लगातार हमले कर रही है, हमले लगातार हो रहे हैं। अब सरकार और पुलिस मुख्यालय को देखना होगा कि आखिर हमले जो हो रहे हैं उस हमले रोकने के लिए सरकार क्या करती है। पुलिसकर्मी घायल होते हैं, उनका कह सकते हैं कि मीडिया में खबरें बनती है, ये अपने आप ही संयोजित हमला है। आप बालू माफियाओं के पास हर तरह के संसाधन है, पुलिस उनके पूरे संसाधन को तोड़ने की के लिए एक नई पहल करनी होगी, उनके आर्थिक स्थिति को तोड़ने के लिए नई पहल करनी होगी और उनके पास जो हथियार हैं, उनके पास कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास वो पुलिस पर फायरिंग करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये पूरा नेक्सस को तोड़ना होगा। पुलिस का कहना है कि इसी नेक्सस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बिल्कुल मरगूम, चलिए तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। गया जिले के अलग अलग प्रखंडों में दिनों जमकर खादी की कालाबाजारी हो रही है और खाद विक्रेता खुलेआम ऊंचे दामों पर खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं और इधर धान लगाने वाले किसान खाद के अभाव में अपनी फसल को बर्बाद होता देख रहे हैं और इस बात को लेकर किसानों ने प्रशासन के अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन इसका कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। और इसके साथ बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए झारखंड की खबरें। नमस्कार।